में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर विपक्ष कांग्रेस पार्टी पर हमलावर है। वहीं आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस दौरान बेनीवाल की पार्टी की महिला नेता सुमन बेनीवाल की हत्या हो जाती है। हत्या करने वाला और कोई नहीं, उसका पति ही था। आपको पूरी खबर बताते हैं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ मनीष कौर। जोधपुर संभाग में शनिवार को आरएलपी की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सुमन बेनीवाल की हत्या का मामला सामने आया था और हत्या का आरोप सुमन बेनीवाल के पति पर ही लगा था, रमेश पर। घटना बीते शुक्रवार की देर रात जोधपुर की है और ये घटना जोधपुर के माता का थान इलाके की है। पुलिस के अनुसार 15 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। उनके दो बच्चे हैं और दोनों ही हॉस्टल में रहते हैं और वहीं पढ़ते हैं। दोनों पति और पत्नी 9 महीने से माता का थान इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी समय से अनबन चल रही थी। शुक्रवार रात 10 बजे जब पति घर आता है तो उसकी पत्नी सुमन दरवाजा नहीं खोलती है। 3 घंटे तक लगातार दरवाजा खटखटाने के बाद जब रात 1:30 बजे सुमन ने दरवाजा खोला तो उसके पति ने गुस्से में आकर उसकी जान ले ली। उसके पति ने घर में आते ही पास पड़े हुए पत्थर को उठाया और उसके सिर पर दे मारा, जिससे सुमन की मौके पर ही मौत हो गई। सुमन की मौत के बाद जब पति रमेश ने उसके भाई को फोन किया और कहा कि मैंने तुम्हारी बहन को मार डाला है और उसे एक झूठी कहानी बताकर गुमराह किया। उसने कहा कि उसकी बहन सुमन रात को 1:30 बजे घर पे आई थी, मुझे नजदीक आने से रोका था, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने पत्थर से वार कर उसे जान से मार डाला। सुबह परिवार वाले घर पहुंचे तो पति रमेश ने दरवाजा नहीं खोला, उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। इसके बाद पुलिस ने आकर दरवाजा खटखटाया तो रमेश ने घर का दरवाजा खोला। आपको बता दें कि नौसर गांव का रहने वाला रमेश बेनीवाल और ओसिया के खावड़ा निवासी सुमन की शादी 15 साल पहले हुई थी। उस समय सुमन जोधपुर के भदवासिया इलाके में एक पेट्रोल पंप पर काम किया करती थी। रमेश जोधपुर के बासनी इलाके में एक हैंडीक्राफ्ट फैक्ट्री में फर्नीचर का काम करता था। सुमन ने 7 महीने पहले ही आरएलपी ज्वाइन की थी। इसके बाद पार्टी ने उसे जोधपुर जिले की महिला विंग की कमान सौंप दी थी। आपको बता दें कि सुमन के जन्मदिन पर हनुमान बेनीवाल ने उसके साथ मिलकर केक काटा था और बधाई दी थी। अपराध की बात करने वाले हनुमान बेनीवाल की ही नेता की हत्या करी जाती है और हत्या करने वाला और कोई नहीं, उसका पति है, तो एक बड़ी बात है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।